वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और आज मेरे साथ है नवीन, जो मेरे फ्रेंड हैं और मेरे ऑफिस के कुलीग हैं। अब हमारे ऑफिस खुल गए हैं। नवीन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वर्क फ्रॉम होम तो ख़त्म हो गया, तो अब ऑफिस जाके ऑफिस जाने में आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल की बात बताओ यार। दिल की बात है। मज़ा आ रहा है कि घर पर ज़्यादा मज़ा आता था? नहीं, हमें ऑफिस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऑफिस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। घर पे अच्छा नहीं लगता था? नहीं लगता था। अच्छा, इसके मुझे रीजन क्या है? क्योंकि मोस्टली तो 99% लोग तो यही बोल रहे हैं कि यार हमें तो घर पे ही मजा आता था। मैं तो पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ ये कि हम नहीं, इसको बंद नहीं करेंगे भाई। पहले आपका ओपिनियन जानेंगे ना। आपका ओपिनियन क्या है? नहीं, ओपिनियन नहीं, ये ओरिजिनल वो भाई डलेगा, ये ब्लॉग बन रहा है भाई। आप मेरे फ्रेंड हो, मेरे यूट्यूब के वो सब्सक्राइबर भी हो, तो आपका ओपिनियन भी तो जाना जरूरी है। ये मेरे फ्रेंड थोड़े से शाही हैं अभी। हम आज शाही वाले शाही हैं थोड़ा सा। और आज हम आए इनके लिए यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में घर ढूंढने। ग्रेटर नोएडा की रोडें बड़ी चौड़ी हैं, पर गर्मी बहुत भयंकर है आज। और अभी हमने एक कोल्ड ड्रिंक तो शायद एक ही पी है, और पानी पिया है, और पानी बहुत पी चुके हैं हम। और नवीन भाई के लिए हमने घर ढूंढे हैं। अभी हमारे एक और कुलीग हैं जिनके पास हम गए थे, उनका नाम भी है गौरव शर्मा, और ये नवीन भाई थोड़ा शर्मा रहे हैं। अभी हम आए हैं, अभी हमें सीएनजी पंप पे, पता नहीं ये ग्रेटर नोएडा में है कोई सीएनजी पंप, उस पे आए हैं। बहुत भयंकर, अब ये देखो आप सीएनजी पंप का हाल देखो, ये इतनी गर्मी है। और सीएनजी यहाँ ग्रेटर नोएडा में कितनी होगी सीएनजी? 76 ज़्यादा होगी। हाँ, ग्रेटर नोएडा में सीएनजी होगी 76। और हम लोग अभी गर्मी में परेशान हो रहे हैं, अभी हमें थोड़ी देर में ऑफिस भी जाना है। पर कुल मिला के गर्मियों का मजे आ रहे हैं। और हम अभी अगर आगे रोड पे चलेंगे तो फिर मैं आपसे बात करूँगा। और अगर आपको ये पसंद आया और आपका ये वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो रहा हो और आपको ऑफिस जाना पड़ रहा हो, तो आपको क्या महसूस हो रहा है, प्लीज़ ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग जॉब करते हैं, जो जिनका वर्क फ्रॉम होम था, स्पेशली जो आईटी सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए ये उनका वर्क फ्रॉम होम था ही नहीं। वर्क फ्रॉम होम के बारे में अपने ओपिनियन क्या है वो ज़रूर बताइएगा। ओके।